अब जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल हूं, मैं नाम नहीं लूंगा शोरूम का, बट उन्होंने मेरे को साफ साफ बोल दिया है कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी लेनी पड़ेगी, अगर आप लोगे तो ही आपको गाड़ी की डिलीवरी कर पाएंगे, वरना आपको गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिल सकती। अब आप मुझे बात बताओ कि अगर मेरे पास किसी वजह से 20,000 रुपये अभी नहीं है या कुछ कैश प्रॉब्लम है और मैं बिल्कुल जो जितना अमाउंट बन पा रहा है बस उतना ही पे करना चाहता हूँ, तो इसमें मेरे को क्यों झेलना पड़ रहा है, आप ये बताओ मुझे। अगर कस्टमर को तो राइट है ना कि वो या तो वो चीज़ कंपनी वाले बिल्कुल थोप रहे हैं कि आपको लेनी कंपलसरी है, मारुति तो नहीं ये नहीं कह रही है, मारुति ने तो डीलरशिप पर छोड़ रखा है, आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ग्राहक को कि ग्राहक ये चीज़ ऑप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, बट डीलरशिप ने एक धंधा सा बना दिया कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी है, साथ ही साथ आपको क्या नाम है एसेसरी भी लेनी है, एसेसरी 40-40, 50-50 हज़ार रुपए की एसेसरी। दोस्तों हाल ही में जो है मैंने एक पोल डाला था अपने चैनल पे और उसमें मैंने पूछा था क्या आपको जो आपकी डीलरशिप है जिस पे आप नई गाड़ी परचेस करने जा रहे हो वो क्या आपको वारंटी लेने के लिए या एसेसरी लेने के लिए जोर दे रहे हैं, एंड अगर आप लोग वो लेने से मना कर रहे हैं तो आपकी डिलीवरीज लेट कर रहे हैं, तो उस पर जो पोल आया था रिजल्ट आपके सामने, काफ़ी सारे लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या सब कुछ चल रहा है ये नई गाड़ी लेते समय एंड हम लोगों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। तो अभी आपको सभी को पता है कि करंटली मैंने फ्लॉन्क्स बुक करा रखी है एंड उसका कुछ अता पता नहीं है कि भाई वो कब आएगी, कब डिलीवरी होगी। तो मैंने अभी क्या करा, कुछ थोड़े दिनों से मैं अलग अलग शहरों में कॉल कर रहा हूँ डीलरशिप्स को कि अगर आपके पास मॉडल अवेलेबल है तो मैं वहाँ से परचेस कर लूँगा। तो मुझे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है वो आप सभी का शेयर करना चाहता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि जो मारुति है, जो मारुति की लीडरशिप है, उस तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो रेक्टिफाई करे इस प्रॉब्लम को एंड जल्दी से जल्दी जो कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो प्रॉब्लम दूर हो एंड कस्टमर्स को जो अपनी डिलीवरीज है कार्स की वो रेगुलरली टाइम पे मिले बिना कोई दिक्कत के। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डिलीवरीज की, डिलीवरीज जो है वो सुपर सुपर लेट है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए कि अगर आप लोगों ने मेरे जैसे कोई कार बुक कराई जो कभी लॉन्च ही नहीं हुई है, लॉन्च से पहले उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉन्क्स ले ली थी, उसकी बुकिंग मैंने लगभग जनवरी में करा दी थी, 29 जनवरी के आसपास, अब वो गाड़ी लॉन्च हो चुकी है तो वो मुझे कैसे पता लगा कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ है, उसका क्या पर्सपेक्टिव था वो बुकिंग कराने का, जो गाड़ी जिसको मिलनी थी उसको तो मिल रही है तो भाई मेरी गाड़ी कहाँ है, और अभी भी कह रहे हैं कि महीने भर बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी, 20 दिन बाद आएगी, तो उसका पॉइंट क्या है बुकिंग कराने का भाई। अब मैं अभी डिलीवरी लेने जाओ तो उनको कोई अगर कैश में पेमेंट कर दे उसको डिलीवरी मिल जाएगी, और नहीं मिल रही तो सीधे कह रहे हैं कि अब टॉप मॉडल ले लो तो डिलीवरी मिल जाएगी। तो भाई मेरा बुकिंग कराने का फायदा क्या है कि अगर गाड़ी की डिलीवरी किसी को कैश के बेसिस में मिल रही है तो भाई जो जिसका कैश नहीं है वो तो डिलीवरी ले ही नहीं सकता है, आप ही खुद ही सोचो। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बुकिंग कराने का फ़ायदा क्या है जब गाड़ी जो है वो आप बेसिस ऑन कैश दे देते हो या बेसिस ऑन कि आपको कुछ वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो उस गाड़ी पे तो आप दे देते हो। तो भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो तो कभी गाड़ी परचेज नहीं कर पाएगा, नॉर्मल तरीके से आप अनसेंड पैसे दो तो वो आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा दोस्तों ये आता है कि भाई हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए जिसके लिए गाड़ी लेना बहुत बड़ी चीज़ होती थी वो क्या करें। अब जो दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर बाई चांस आपकी गाड़ी शोरूम पे आ चुकी है एंड उसका फाइनल प्राइस लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इसमें एसेसरीज और एक्सटेंडेड वारंटी इनमें से कोई एक चीज़ लेनी कंपलसरी है, कोई कोई शोरूम कह रहा है ये इनमें से दोनों चीज़ लेनी कंपलसरी है। अब आप मुझे बात बताओ कि अगर जो सीट कवर कंपनी में फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये पड़ रहा है, कोई सीट कवर बाहर से 5,000 या 6,000 का पड़ रहा है तो वो मेरी चॉइस होगी ना कि मैं कंपनी से पढ़वाऊँ नहीं कर पाऊँ, बाद में पढ़वा लूँ, अभी मेरे पास कैश की प्रॉब्लम है अभी नहीं ले पाऊँ। एक्सटेंडेड वारंटी का आप सभी को पता है जब तक कंपनी की ओरिजिनल वारंटी चल रही होती है आप तब तक एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो। अभी मान लो मेरे पास 20,000 रुपये नहीं पड़े हुए हैं एक्स्ट्रा तो मैं अभी नहीं लेना चाहता, मैं कह रहा हूँ भाई ले लूँगा मैं थोड़े टाइम बाद, और सबसे मेन बात एक्सटेंडेड वारंटी तो मेरा प्रॉब्लम है मैं लूँ या ना लूँ, तो आप मुझे फोर्स कैसे कर सकते हो अगर मैं ये दो चीज़ लूँगा तो मुझे डिलीवरी मिल जाएगी कल के कल। आप जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा शोरूम का, बट उन्होंने मेरे को साफ साफ बोल दिया है कि आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी लेनी पड़ेगी, अगर आप लोगे तो ही आप गाड़ी की डिलीवरी कर पाएंगे, वरना आपको गाड़ी की डिलीवरी नहीं मिल सकती। अब आप मुझे बात बताओ कि अगर मेरे पास किसी वजह से 20,000 रुपये अभी नहीं है या कुछ कैश प्रॉब्लम है और मैं बिल्कुल जो जितना अमाउंट बन पा रहा है बस उतना ही पे करना चाहता हूँ, तो इसमें मेरे को क्यों झेलना पड़ रहा है, आप ये बताओ मुझे। अगर कस्टमर को तो राइट है ना कि वो या तो वो चीज़ कंपनी वाले बिल्कुल थोप रहे हैं कि आपको लेनी कंपलसरी है, मारुति तो नहीं ये नहीं कह रही है, मारुति ने तो डीलरशिप पर छोड़ रखा है, आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है ग्राहक को कि ग्राहक ये चीज़ ऑप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, बट डीलरशिप ने एक धंधा सा बना दिया कि आपको
एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी है, साथ ही साथ आपको क्या नाम है एसेसरी भी लेनी है। एसेसरी 40-40, 50-50 हज़ार रुपये की एसेसरी लगा रखी है यार। कोई एसेसरी का मतलब है, किसी को एसेसरी पसंद है किसी को नहीं है। आप एसेसरी के नाम पे क्रोम ही क्रोम बिल्कुल गाड़ी में छापते रहे, अरे नहीं पसंद है भाई, क्रोम नहीं पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, फ्रॉन्क्स की बरेली में ऑन रोड प्राइस जो आ रही है एसेसरीज और ये एक्सटेंडेड वारंटी लगा के 10,44,000 लगा आ रही है, जिसमें से 40,000 की एसेसरीज है और 18,500 रुपए की जो है एक्सटेंडेड वारंटी है। अगर मैं दोनों ये दोनों चीजें ही हटा दूं तो गाड़ी की जो कॉस्ट आ जाएगी 58,000 जो है वो कम कर लो, लगभग 60,000 कम कर लो, तो आपकी जो गाड़ी की कॉस्ट आ जाएगी 9,80,000 रुपए ऑन रोड आ जाएगी। अब आप सोचो कि नहीं 9,80,000 रुपए मैंने अभी 60,000 बचा लिए, 60,000 अभी मेरे पास नहीं थे, आगे आगे फ्यूचर में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता रहूंगा, तो इसमें मेरा बेनिफिट है, कस्टमर की तो बेनिफिट देखा जाता है। कस्टमर 9,80,000 रुपये खर्च तो कर रहा है ना भाई, कस्टमर को आप कहाँ से मारोगे? आप डिस्काउंट भी कोई नहीं दे रहे हो, कह रहे हो कि भाई नई गाड़ी है, डिमांड बहुत है। चलो कस्टमर ने उस बात पे मान लिया कि भाई नई गाड़ी अभी लॉन्च हुई है, डिस्काउंट कोई नहीं बनता है, बट आप मुझे ये बात बताओ कस्टमर कहाँ तक झेले? पहले वो बुकिंग में झेले, रोज शोरूम के चक्कर लगाए कि भाई मेरी गाड़ी का है, मेरी गाड़ी का है, चलो कोई बात नहीं। पहली बात तो गाड़ी लॉन्च ही नहीं होती है, गाड़ी लॉन्च हो गई उसके बाद, गाड़ी लॉन्च होने के बाद उसकी बुकिंग करवा ली इंसान, बुकिंग कराने के बाद भाई अब डिलीवरी नहीं है, अब डिलीवरी नहीं है। अगर डिलीवरी लेने जाओ तो आप कह रहे हो कि भाई अल्फा ले लो, ये मॉडल ले लो, वो मॉडल जो आपका मॉडल है वो अभी आया नहीं है, सबसे मेन बात। अब मॉडल आ गया है तो वो क्या है कि भाई इसमें आपको ये भी लेना होगा वो भी लेना होगा, तभी आपको डिलीवरी मिलेगी, वरना और वेट करना होगा। तो दोस्तों कस्टमर कहाँ जाए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मारुति वालों को ये वीडियो स्पेशली मारुति सुजुकी के जितने भी डीलरशिप्स हैं उन सब के लिए बनी है। मुझे पता है कि काफ़ी सारे डीलरशिप्स ऐसा नहीं भी कर रहे होंगे, बट मेजरली डीलरशिप्स जो हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं कि एक्सटेंडेड वारंटी या एसेसरीज तो लेनी कंपलसरी है, इसके बिना आपको गाड़ी डिलीवर नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपके लिए वीडियो थोड़ी सी आई ओपनर होगी, एंड आपको आप जो इशू फेस कर रहे होंगे उसको मैंने अपनी वीडियो के थ्रू वॉइस करने की कोशिश करी होगी। एंड अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी जो है थोड़ी सी भी लगती है कि जेन्युइन है, एंड आपकी वीडियो शेयर करने से ये जो हमारा इतना बड़ा जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं वो मेजर जो लीडरशिप है मारुति की उस तक जा सकती है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो जो है वो मारुति सुजुकी के जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस तक पहुँचे, एंड ये जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम जैसे कंज्यूमर्स, उनको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फ्यूचर में। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। टिल देन मी हर्षित साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड सेफ ड्राइव।